हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान का भाग 3। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में उख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दिया हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर ही से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया और कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदाले उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला लंबा एकहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली सुडौल प्रसन्न और चप्पल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है, जा पेड़ तले बैठ, ढेले ना तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करूं? इस पर यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने ना जाएं तो रहें कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं और कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेम्बरी के लिए क्यों खड़े हो? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगी बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई, उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पांव पांव क्यों नहीं चलती? क्या पांव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ठिठाई से कहा, ना उतरेंगे जाओ। काका बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष में देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निभा तो रूपा से होता है। रूपा न हो तो रुपए कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया, सोना न हो मोहन कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने। गोबर भी इस विनोदमय विवाद में
सरी खो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब ना था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए हो, नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटकाकर कहा, ऐ राम सोना चमार, ऐ राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर, काम के पीछे कोई प्राण थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए, खेत कहीं भागा जाता था। द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई। होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। हमें अपने पेट की ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती है। राय साहब ने और क्या क्या कहा था, वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते, हम अपने खेत बैल हल कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं, करेंगे बदला, यह सब धूर्तता है। नीरी मोट मर्दी, जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरे नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं और उस पर दुखी हैं। होरी ने झुंझलाकर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई, जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वह छोड़ देंगे, हम ही को खेती से क्या मिलता है, एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ देंगे तो और करे क्या, नौकरी कहीं मिलती है, फिर मर्जाद भी तो पालना पड़ता है। खेतों में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर माल गुजारी न चुका दे तो हवालात हो जाए, घुड़की आ जाए, हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, दो चार गालियां घुड़कियां ही तो मिलकर रह जाती है। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं और देह पर साबित कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता, उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है, रुपए न जमा होते हों पर सुख तो सभी तरह भोगते हैं, धन लेकर आदमी और क्या करता है। तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। होरी ने कहा, यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं,
हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या। गोबर ने कहा, यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। होरी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर। गोबर ने कहा, नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे? इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है कि भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8ों पहर भगवान का जप ही करते रहें। एक दिन खेत में उख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरे ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुँह कौन लगे भाई? तुम तो भगवान की लीला में ही टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो। मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देख कर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। होरी ने कहा, बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। गोबर ने कहा, हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो दे रहा था पर हमने ली नहीं। होरी ने कहा, धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। आंख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं, जवानी कसम, अपनी पछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा, संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूंगा, थोड़ा सा भूसा दिए दे देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी की आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। साफ साफ वो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेंत मेंत में हाथ आ जाए, कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है। बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को। यहाँ भोली भाली किसी की कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला। उसे एक झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने कहा, मैं यह जानता हूँ, लेकिन उनकी भल मनसी को भी तो देखो, मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है। ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जवान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर से मारे मारे भागे फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती, तुम्हारे भाग ही खोटे हैं तो मैं क्या करूं। लगा अपनी घरवाली की बुराई करने, भिखारी को भीख तक नहीं देती, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालचिन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी।
मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभा कर दिया। दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है, धनिया ने कहा। होरी ने कहा, उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरन आई है। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। और भोला रोते काहे को है। गोबर आकर बोला, भोला दादा आप मुझे मन दो मन भूसा हैरू वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे बुनबुनाने। कुछ तो बलवंशी सीखो, कलसा ले जाओ पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धोए कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। भूरी बोला, रस वस का काम नहीं है, कौन कोई पाहुने हैं। धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं, रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते, इतनी दूर से धूप घाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख डब्बे में तंबाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी। दौड़कर 1 पैसे का तंबाकू सहुआइन की दुकान से ले ले। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी न हुई होगी। गोबर ने खाट डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तमाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है कि छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़बूजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम में न भरेगा, 2 खांचे भी दिए तो मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को नेवता न दो और 2 तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते, देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए न दिए जाएंगे, होरी ने कहा। तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे, धनिया ने कहा। गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर उख गोड़ने जा रहा है, 1 दिन न गोड़ने से उख न सूख जाएगी। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले आते। भगवान के दिए 2 2 बेटे हैं, न होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी है, अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो। लाद दे लदा दे, लादने वाला साथ कर दे, होरी ने कहा। धनिया ने कहा, अच्छा भाई कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी, बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है, और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे, होरी ने कहा। यह सब तो नेवता देने से पहले ही सोच लेना था, न हो तुम और गोबर दोनों चले जाना। मुरौवत मुरौवत की तरह ही की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता, होरी ने कहा। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का लड़की सब, और वहां साइत मन दो मन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है, हाँ वह डंडे के जोर से काम लेता है ना, उसके खेत नहीं जोतोगे, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते, धनिया ने कहा। फिर होरी ने कहा कि मुरौवत मुरौवत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। फिर धनिया ने कहा, अभी जमींदार का प्यादा आ जाए
तो अपने सिर पर भूसा लादकर पहुंचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का लड़की सब। और वहां साइत मन दो मन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। भूरी ने कहा, जमींदार की बात और है। फिर धनिया ने कहा, हाँ वह डंडे के जोर से काम लेता है ना, उसके खेत नहीं जोतते। फिर होरी ने कहा, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई जान न खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया, या तो चलेगी नहीं या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कूड़ रहा था, उसे अपने बाप के व्यवहार में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था कि यह जहाँ जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी, रहा होरी, वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भाग आता हूँ, एक खांचा और लूंगा। होरी बोला, एक नहीं अभी दो और भरे धरे हैं और तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। भोरी ने कहा, हाँ तंबू सामियाना गढ़ गया है, अब की लीला में मैं भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माल ही बनना पड़ेगा। फिर भोला ने कहा, मालिक तुमसे बहुत खुश हैं, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने का रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला ना छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछ कर कहा, उसी की चिंता तुम्हारे डालती है दादा, अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही है मगर महाजन तीन तीन है, सहुआइन अलग, मंगरू अलग और दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा न चुका, जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला, सब तरह किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। मूल का दुगना सूद भर चुका पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीरथ व्रत में हाथ बांधकर खर्च करो, मुद्दा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसा ही मर्जाद तो सबका है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई, आदमी तो हम भी हैं। होरी ने कहा, कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ। आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं, उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एक का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे, प्रेम तो संसार से उड़ गया। जैसे बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब तक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगौजे के समय तो
तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया, जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना यह कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहारू, रसोई चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अलगौजा हुआ है दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। ना ही सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाए 4 दफे तो देखो। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी, खुद भूखी सो रही होगी लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने का नाम कच्चा धागा भी न था, देवरानियों के लिए दो दो चार चार गहने बनवा दिए, सोने के न सही चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर का है भैया। भाइयों की बात है क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती, और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से होगी नहीं, खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब, पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हंसिया जी से न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है जूनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर वर था उसका। आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निवाह नहीं, जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत रचा रहता है, विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसे खड़ी सानी खा रही थी। उसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी और किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर भी सुखीर थी, मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धंसी हुई। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया
भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी न हो तो गागरा ला, मैं खींच दूँ। होरी महतो को तो पहचानती है ना। फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर, नाटे बैल क्या खेती करेंगे। और बहुएं क्या घर संभालेंगी, जब से इसकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पात लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती है। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सबके सब आलसी हैं कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊँगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा ओढ़ावना भी करेगी तो भुन भुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुँची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है, झुनिया ने कहा। फिर गोबर ने कहा कि रोज रोज आने से मर्याद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्याद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे कुछ न पाओगे। गोबर ने कहा, दर्शन तो दोगी। झुनिया ने कहा, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उससे कोई भूली हुई बात याद आ गई, उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है, उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी, अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला, सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोक कर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। भोला ने कहा, तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी बड़ी फिक्र है दादा, कल ही गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हो। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा, झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मन आशा की भांति अधीर चंचल। तो दोस्तों, भाग 3 यहीं समाप्त होता है। सुनने के लिए धन्यवाद।